तो स्वागत है आप सभी का ब्लॉगिंग रैप्टर यूट्यूब चैनल पर। तो मैंने कुछ देर पहले ये वीडियो डाला था हाउ टू इंस्टॉल बैटर ग्राउंड्स मोबाइल इन इंडिया। तो इसमें मैंने टैप टैप का बताया था कि आप कैसे टैप टैप से डाउनलोड कर सकते हो, और आपको अगर फेल टू क्रिएट OBB फाइल वाला एरर आ रहा है तो आप ये वीडियो देख लेना, उसमें मैंने उसका सॉल्यूशन भी बताया। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप अपना जो ओल्ड आप जो पबजी खेलते थे उसका डेटा नए वाले बैटर ग्राउंड्स में ट्रांसफ़र कैसे करोगे। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, वीडियो को एंड तक देखते रहना, आपको सब समझ में आ जाएगा। खैर छोड़िए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अकाउंट में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले हम अपना गेम स्टार्ट करेंगे। तो हम गेम स्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक लॉगिन का आता है ट्विटर का और फेसबुक का, और तीसरा होता है गूगल प्ले गेम्स का। तो मेरा अकाउंट ट्विटर से कनेक्टेड है, तो मैं अपने ट्विटर के अकाउंट में डिटेल्स डाल के उसे कनेक्ट करता हूँ। मैं ट्विटर पर क्लिक करूँगा और डिटेल्स डालूँगा। तो यहाँ डिटेल्स डालने के बाद मैं क्लिक करूँगा ऑथोराइज ऐप पर। तो ऑथोराइज ऐप पर मैं क्लिक करूँगा, और ये ऑथेंटिकेटिंग होने के बाद सीधा गेम लोड होगा, और यहाँ से लोड होने के बाद ये गेम हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर ये आपको एक न्यू अकाउंट बनाने बोलेगा, तो पहले आपको सिंपली एक न्यू अकाउंट बना लेना है। जो भी डिटेल है उसके हिसाब से न्यू अकाउंट बना देंगे। नेम ऑलरेडी टेकन आ रहा है, सो ये नेम डाल के मैं कर देता हूँ क्रिएट। तो ये आपका एक न्यू अकाउंट बन जाएगा। तो ये हमको आपको पहले न्यू अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, फिर उसमें हम अपना पुराना वाला डेटा स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ गया बैटल ग्राउंड्स न्यू ऐप लोकेटेड, ओके। तो हम यहाँ पर येस करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए, आपको ओपन करते ही ये ऑप्शन आएगा कि आपको ओल्ड अकाउंट का डेटा ट्रांसफ़र करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पे आप सिंपली क्लिक कर देना येस, प्लीज़ कंटिन्यू। तो यहाँ पे आपको फिर से लॉग ऑप्शन आएगा यहाँ पे डेटा का, आपको यहाँ से फिर से आपको पढ़ना तो पढ़ लेना, बाकी इसका आपको यहाँ पे करना है येस। और यहाँ पे आपको ऑप्शन पूछेगा कि आपको यूट्यूब फेसबुक से आपका अकाउंट है तो फेसबुक पर क्लिक करना, ट्विटर पर तो ट्विटर पर करना। तो मैं ट्विटर पर क्लिक करूँगा और करूँगा ओके। जैसे अगर फेसबुक पर आपने किया होगा तो आपको फेसबुक का ईमेल आईडी पासवर्ड डालोगे और साइन इन करोगे। तो यहाँ पर मैं ट्विटर का है, तो मैं यहाँ पर अपने डिटेल्स डाल लेता हूँ ओके। तो गलती से मैंने वहाँ पे कैंसिल कर लिया था, तो ये पूरा ये स्क्रीन आ गया इसमें। अगर आप वहाँ से लॉगिन कर लो तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप गलती से एग्जिट करते हो या फिर नो पे क्लिक कर देते हो तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको साइड में जो सेटिंग्स का ऑप्शन आता है, इस मेन्यू पर क्लिक करके यहाँ पर सेटिंग्स में जाना है, और ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा अकाउंट ट्रांसफ़र, ट्रांसफर अकाउंट। तो अकाउंट ट्रांसफर पर हम करेंगे क्लिक, और आप किसी आपको लॉगिन का मांगेगा, यहाँ पर हम करेंगे येस, करेंगे सिलेक्ट, करेंगे ट्विटर ओके। फिर हमको ये रिडायरेक्ट करेगा ट्विटर के लॉगिन पेज पर। यहाँ पे मैं अपना डिटेल्स डाल देता हूँ। तो आईडी पासवर्ड डालने के बाद करूँगा मैं साइन इन पे क्लिक। अगर आपने फेसबुक से किया तो फेसबुक कर लेना। और यहाँ पे अकाउंट डेटा ट्रांसफ़र का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर प्लीज़ नोट ये डेटा वे ट्रांसफर टू प्रोफेशनल डेटा पर, ठीक है। तो इसके बाद आपको ये इंटरफेस दिखेगा, आपको सिंपली करना है येस पे क्लिक, और ये डेटा ट्रांसफर आपको इस लिखा हुआ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन योर डेटा इज़ बी इम्पोर्टेड, ठीक है। तो इसके बाद वापस आपको करना है ट्विटर पर क्लिक, ट्विटर पे क्लिक करूँगा, और ये फिर यहाँ पे लोडिंग लिखा हुआ आ जाएगा। और उसके बाद जैसे आप लॉगिन होगा, आपका लोडिंग होगा, कंपाइलिंग रिसोर्सेज सब होंगे, काफ़ी आपका जो अकाउंट का बैकअप है वो होता रहेगा प्रोसेस बैकग्राउंड में। तो मैं उसको फास्ट कर दिया है, और आप देख सकते हो मेरा डेटा पूरा आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो AG जो था वो आ गया, 0 UC 3 0 UC ही है, और मेरा जो रैंक है वो सब वापस आ चुका है। देख सकते हो प्लेयर लेवल यहाँ पर दिखा रहा है, ईवो लेवल आ गया है। हाँ, एक बात ध्यान रखना, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो सब फ्रेंड्स चल जाएंगे इसमें, तो ये बात ध्यान रखना आपके जो फ्रेंड्स होंगे वो सब नहीं आएंगे इसमें। बाकी आपकी सारी जो डिटेल्स है, आपके अचीवमेंट्स है, आपके जैसे यहाँ पे मैंने ओवर अचीवर था, ओवर अचीवर आ गया है, बाकी जो टाइटल्स आपने जो भी अचीव किए होंगे पुराने वाले अकाउंट में, सब यहाँ पर ईजिली ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब सही से समझ में आया होगा। वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने पबजी फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए। और क्या, फिर मिलता है अगली वीडियो में।